हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत टाइम बाद बना रहे हैं हम लोग, मतलब मैं ब्लॉग। तो अभी हम आज जा रहे हैं, मेरी इवनिंग शिफ्ट है। फ्रेंड्स, तो ये है मंजेश, ये सिमरन और ये सुषमा, ये है गुलजार, ये सृष्टि और ये प्रिया और दिव्या। तो अभी हम जा रहे हैं कृष्णा, हमारी सुनंदा में है पोस्टिंग, पर हम यहाँ कृष्णा वाले बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। क्या पता हम में से कुछ बच्चे वहीं ड्यूटी कर लें, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, अभी ये तो कृष्णा जाके ही पता चलेगा। तो आप देखते रहिए, ये हमारे रास्ते, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम पर, दिन के 2 बज रहे हैं अभी। और अभी बहुत धूप भी हो रही है और गर्मी बहुत लग रही है हमें। तो हम कृष्णा मेडिकल सेंटर पहुंच गए हैं। कंफर्मेशन दे दे कहीं और का, कोई और एड्रेस दे दो। तो ये कृष्णा हॉस्पिटल, जाओ गाइस कृष्णा वाले, बाय मंजेश। बाय दिव्या, बाय प्रिया, ए हट, बाय प्रिया, बाय गुलजार। फ्रेंड्स, तो हमने कृष्णा वालों को छोड़ दिया, ये जा रहे हैं अंदर, अब हम जा रहे हैं वापस सुनंदा। तो चलते हैं, ये बैग हटाना। फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं वापस सुनंदा। तो हम सुनंदा पहुंच गए। तो ये है सिमरन, ये सृष्टि और ये सुषमा और मैं। फ्रेंड्स, तो आज मैम नहीं आई है, तो सब बच्चे बैठ रखे हैं, आलस कर रहे हैं। दिव्या नेगी, जैसे आपको पता है, वो उसकी ड्यूटी यहाँ है, पर वो आज कृष्णा चली गई है। तो ये सृष्टि यहाँ पे फ़ोन देख रही है, ये सुषमा यहाँ पे देख रही है और सो रही है फ़ोन, ये भी यहाँ पे फ़ोन देख रही है सिमरन, और मैं यहाँ इन सब की वीडियो बना रही हूँ। उधर हमारे जूनियर सो रहे हैं। गाइज, अभी कुछ काम है नहीं, तो रितिका ले रही है सृष्टि का बीपी, अंडे का बीपी। देख लो अंडा कैसे गोल कैसे देख रहा है, बड़े लखन वाले गोल गोल चेहरा। और गाड़ी भी चल रही है यहाँ हॉस्पिटल में। सिस्टर, यहाँ देखो फोन चला रहे हैं, छूट छाट के फोन चला जाता है। अबे उसको तो बता, दिखा ना, मैं व्लॉग देख लूँ। फ्रेंड्स, तो ये सबसे पहले बीपी कप लगाते हैं, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हम साउंड सुनते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होता है वो ऊपर वाला साउंड होता है, डायस्टोलिक जो होता है वो नीचे वाला साउंड। अब ये स्टेप से साउंड सुनेगी। फिर सफल जा रहा है,
तो इसने प्रेशर दे दिया है इसके थ्रू, अब इससे रिलीज करेगी। तो अब देख सकते हैं धीरे धीरे रिलीज होगा। तो पहले प्रेशर देते हैं फिर धीरे धीरे रिलीज करते हैं। जो सबसे पहले हमें साउंड सुनाई देता है वो सिस्टोलिक होता है, फिर जहाँ पे साउंड रुकता है वो डायस्टोलिक होता है। इस तरह से हमारा बीपी आता है। तो हो गया, तो इनका बीपी आया 80-60, क्योंकि अभी हम धूप से आए थे इसलिए इनका बीपी लो है। तो अब हम पेशेंट को फ्री करेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हमने पेशेंट का बीपी लिया, तो अब हम अंदर आके बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सर ने ये काम दे दिया है, पता नहीं करना क्या है इस पर, ये तो मुझे भी नहीं पता। सर खुद ही लिखने लग गए, ये हैं सर, ये दूसरे सर। ये इनकी वीडियो बना रही थी अलग 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 फेस वाली, ये तो पता नहीं क्यों छुप रही, जैसे मैं इसे दिखा रही हूँ पर मुझे दिखाना पड़ रहा है। तो हम पेशेंट को आई वी दे रहे हैं। ये बहुत स्लोली प्रोसेस होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सृष्टि दे रही है, मैंने दूसरे पेशेंट को दिया था, अभी एक और देना बाकी है। ये दूसरा इंजेक्शन है, तो हम मेडिकेशन करके आ गए हैं, अब हम अंदर बैठ गए हैं फिलहाल। अब थोड़ी देर में हम जाएंगे वापस घर को, हमारी गाड़ी आने वाली होगी जब। फ्रेंड्स, तो फाइनली हो चुकी है मेरी छुट्टी, तो मैं घर भी आ गई हूँ, और बस आज के लिए इतना ही। तो कुछ खास था नहीं आज, वैसे सिर्फ हम कृष्णा वाले बच्चों को छोड़ने गए थे। आज हॉस्पिटल में भी जनरल वार्ड में कोई पेशेंट नहीं था, और ओटी में भी 6 ही पेशेंट थे, उनमें से आज एक ही ओटी थी। और फिर हमने मेडिकेशन और बीपी के अलावा और कुछ काम नहीं किया, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। आप बताइएगा ज़रूर आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच।